आज की मुलाकात में मैं आपको बताऊंगा दफा, दिफा और दिफाई शब्दों के बारे में। इनके अर्थ बताऊंगा, सही उच्चारण बताऊंगा और आपकी जानकारी में वृद्धि करूंगा। सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी और ये चैनल है माई हिंदी माई उर्दू। सबसे पहले दफा। दफा दो शब्द हैं, एक है दफा और दूसरा है दफा। अब आप कहेंगे कि ये तो दोनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं, तो इनका अंतर जानिए। पहले जो दफा है वो अरबी शब्द है और इसका अर्थ है हटाना, दूर करना, और इसका सही उच्चारण है दफा, दफा। देखिए, सुनिए ध्यान से, दफा। इस तरह से बोलना सबके लिए आसान नहीं होता, इसलिए दफा कह देते हैं। दूसरा दफा जो है उसका अर्थ है टाइम्स, यानी बार, एक बार, दो बार, दस बार, पचास बार, ठीक है। और इसका एक और अर्थ है धारा, यानी कि कानून की दफा, कानून की धारा, कानून की दफा। इसका उच्चारण है दफ, दफ। फिर सुनिए, दफ। ये भी उच्चारित करना आसान नहीं है, तो इसको भी दफा कह देते हैं। तो इस तरह से आम बोलचाल में दफा दो शब्द हैं। अगर आप गहराई में जाएंगे तो दोनों के उच्चारण अलग अलग हैं, लेकिन आप दफा कहकर भी काम चला सकते हैं और लोग चला ही रहे हैं। इसके बाद दिफा। दिफा शब्द का अर्थ है रक्षा, प्रतिरक्षा, बचाव, हिफाजत, और इसका सही उच्चारण है दिफा, दिफा। फिर सुनिए, दिफा। इस तरह से बोलना सबके लिए आसान नहीं होता, इसलिए इसको भी आम तौर पर दिफा कह देते हैं, दिफा। लेकिन इसका सही उच्चारण, जैसा कि मैंने बताया, दिफा है। इसके बाद दिफाई। दिफाई शब्द का अर्थ है रक्षा संबंधी, बचाव संबंधी, यानी कि हिफाजती, और इसका उच्चारण है दिफाई, बिल्कुल साफ साफ, दिफाई, दिफाई, ठीक है। इसमें वो ई नहीं है, ई अरबी वाला नहीं है, सिंपल दिफाई। तो आज आपने दफ़, दफ़, दिफा और दिफाई शब्दों के अर्थ और उच्चारण को जाना। अगली मुलाकात में मैं आपको कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मैं खबरी ऐप पर भी मौजूद हूँ। मुझे ज्वाइन कर लीजिए खबरी ऐप पर आकर। इसके अलावा अगर आप मेरा फोन नंबर चाहते हैं तो इसी चैनल पर एक वीडियो में मौजूद है, देख लीजिए उस वीडियो को और हासिल कर लीजिए मेरा फोन नंबर और संपर्क कर लीजिए मुझसे। साथ ही साथ मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट और टिकटॉक पर भी हूँ, वहाँ भी मेरे साथ हो जाइए। आता हूँ बहुत जल्द लेकर आपके लिए कोई और जानकारी। सलाम हिंदुस्तान।